हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में फिर आपका एक बार से स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको रॉ पपाया मतलब कच्चे पपीते की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो स्नैक्स तौर पर खा सकते हो या टिफिन ले जा सकते हो। कच्चे पपीते बहुत फायदेमंद होता है, तो इसे आप इस टाइप से भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे पपीते का बड़ा, जो कि बहुत टेस्टी, हेल्थी और यम्मी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाना है स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है, जो झटपट भी बन जाता है और टेस्टी और यम्मी भी होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये मैंने पपीता किसा हुआ लिया है एक कटोरी, एक बाउल मैंने किसा हुआ पपीता ले लिया, जैसे मैंने कद्दूकस कर लिया, इस टाइप से कच्चा पपीता है ये। और एक कटोरी चावल काटा, और इसमें थोड़ी स्पाइसी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा तिल है, सफ़ेद या काला तिल जो भी आप ले सकते हो, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ, इन सबको हम इसमें डाल देंगे। और ये हरा धनिया ले लिया है, उसे भी इसमें हम डाल देंगे, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इसी में चावल आटा को लेके थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे हम जैसे चौसला बनाते हैं वैसे इसे गूंथ लेंगे इसमें आटा जैसे। देखिए थोड़ा सा पानी लेके इसे हम मैश करेंगे। ये देखिए आटा मैंने सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है। अब इसे छोटा छोटा बॉल बना लीजिए, फिर से हम पूरी प्रेस से प्रेस कर लेंगे। छोटा छोटा बॉल बना के आप रख लीजिए। और एक कढ़ाई में हम तेल रख देंगे तलने के लिए, तब तक हम छोटा छोटा इसका बॉल बना लेते हैं लोई। ये देखिए और हमारा भी देखिए तेल गर्म हो गया है। अब ये जो लोई है उसे आप एक ऐसे पॉलीथीन के ऊपर रखिए और इसे धीरे धीरे बड़ा जैसे इसे फैलाइए, चाहो तो आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए पॉलीथीन में और इसे अब तलने के लिए हम डाल देते हैं तेल में ऐसे ही बना के। आप जितना पतला कर सकते हो कर सकते हो, और थोड़ा मोटा चीज आप मोटा भी कर सकते हो। थोड़ा सा तेल लगा के ही इसे फैलाइए। मैं देखिए गरम से मैं इसे तलने के लिए डाल दी थी। ऐसे ही सारे को बना बना के इसमें डाल देना है। ये देखिए अब इसे हम ऐसे ही पलट के भी तल लेंगे, बहुत क्रिस्पी और अच्छा बनता है, ये भी बड़ा है। और दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे।
देखिए ना सारे को हम ऐसे ही निकालेंगे। ये देखिए क्रिस्पी होता है। अभी देखिए इसे ऐसे फिर बनाना है और धीरे धीरे आपने ऐसे लेके आप तेल में छोड़ते जाइए। ये देखिए इसे कैसे बनाना है। इसको पॉलीथिन में ही रख के आप अच्छे से इसे शेप दे सकते हो। और अगर आपसे गोल गोल अगर एक साइज को बनाना है तो आप कोई भी कटोरी या कटर जो होगा उससे आप काट भी सकते हो, जिस शेप में आप बनाना चाहो उस टाइप से। और इसे धीरे कैसे निकाल के इसे हम तल में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारे बर्गर मैंने तल दिया है और इस टाइप से क्रिस्पी बना है। आप इसे 2-4 दिन भी रखोगे तो भी खराब नहीं होता है। आप सफर में जाओगे तो भी ले जा सकते हो टिफिन वगैरह। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड जरूर बताइए और अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए और मेरी इस रेसिपी को आगे भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय।